और निर्माण कार्य शुरू है। आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम दिखवाते हैं सर। अभी जो है 100 से अधिक महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं बीओ के खिलाफ। देखिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम जो चल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में, माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने जवाबदारी दिया है कि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इसकी जवाबदारी मुझे दिया है। और 100% लोगों का कार्ड बनेगा। पहले चरण में अभी 58,54,000 लोगों का कार्ड का नियमितीकरण हो रहा है। इसका रिन्यूअल होने के बाद फिर अगले स्टेप में हम लोग यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, सस्ता चावल सभी के लिए। अब तक केवल बीपीएल परिवार तक इस दायरे में आते थे, अब एपीएल परिवार भी इस दायरे में आएंगे। सबका कार्ड बनाया जाएगा और सबको सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस काम के लिए कल परसों का अंतिम डेट था, कल हमने बैठक बुलाया था और 5 तारीख तक इसका डेट नियमित रिन्यूअल करने का डेट 5 तारीख बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आगे का काम और बढ़ेगा। सर, बीओ के खिलाफ अभी सैकड़ों महिलाएं आई हैं, पहले भी दर्जनों शिकायतें हो चुकी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम उसका संज्ञान में लिए हैं और अभी हम पूछते हैं और क्या समस्या का समाधान होगा और क्या कारण उसको पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद। सर, एक आखिरी सवाल कि जिले को पर्यटन के रूप में विकसित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वर्तमान विधायकों ने भी प्रयास किया है, आपकी क्या? बिल्कुल, पर्यटन का विकास होना चाहिए। अभी मेरे पास संस्कृति का विभाग का जवाबदारी है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का जो पुरानी व्यवस्था है उसको हम विकसित करेंगे और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के जो संस्कृति उसके बराबर खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उसको हम जोड़ करके आगे काम को बढ़ाएं। थैंक यू।